रूस के साथ महीनों की जंग के बाद यूक्रेन की हालत खराब है। यूक्रेन के ज्यादातर हिस्से रूस की भयंकर मिसाइलों से तबाह हो चुके हैं। इस बीच लुथियानिया की राजधानी विलिन्स में नाटो देशों की समिट में जेलेंस्की के साथ जो हुआ उसकी चर्चा पूरी दुनिया में शुरू हो गई है। दरअसल अब से कुछ महीने पहले जिन देशों ने रूस के साथ जंग के लिए यूक्रेन को उकसाया वही नाटो देश अब जेलेंस्की को भाव नहीं दे रहे हैं। नाटो देशों की मीटिंग के बाद जेलेंस्की की ये तस्वीर बेहद वायरल हो रही है जिसमें जेलेंस्की अकेले ही खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति की यह तस्वीर आने वाले समय में वैश्विक राजनीति में बड़े संकेत दे रही है। आपको बताएं तो अब से कुछ दिन पहले ही यूक्रेन को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि यूक्रेन जब तक रूस के साथ युद्ध को खत्म नहीं कर देता तब तक यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं दी जा सकती। जानकारी के लिए आपको बताएं तो यूक्रेन कई सालों से नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। हालांकि नाटो देश यूक्रेन को ऊपर से समर्थन देने की बात तो करते हैं, रूस पर हमले को लेकर भी अमेरिका और नाटो देशों ने ही यूक्रेन को उकसाया और हर समर्थन देने की बात कही, लेकिन कई बार नाटो देश अपने ही वादे से मुकरते हुए नजर आए और यूक्रेन से मुंह मोड़ते हुए दिखे। ऐसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिल रहा है। जानकारी के लिए आपको बताएं तो यूक्रेन की रूस के साथ 2200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा लगती है। रूस मानता है कि अगर यूक्रेन नाटो से जुड़ता है तो नाटो की सेनाएं यूक्रेन के बहाने रूसी सीमा तक पहुंच जाएंगी। यूक्रेन के नाटो से जुड़ने पर रूस की राजधानी मॉस्को की पश्चिमी देशों से दूरी केवल 640 किलोमीटर ही रह जाएगी। अभी ये दूरी करीब 1600 किलोमीटर है। रूस चाहता है कि यूक्रेन ये गारंटी दे कि वो कभी भी नाटो में शामिल नहीं होगा। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जेलेंस्की को अंदाजा नहीं था कि अगर वो नाटो और अमेरिका के कहने पर रूस पर हमला करते हैं तो क्या ये देश यूक्रेन की अंत तक मदद करते रहेंगे। कई महीनों के बाद जब जंग का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था तभी नाटो देशों ने यूक्रेन की मदद से अपने हाथ पीछे खींचने शुरू कर दिए थे, तब भी जेलेंस्की को अकल नहीं आई। ऐसे में जानकार मानते हैं कि जब यूक्रेन ने नाटो देशों और अमेरिका के भरोसे रूस जैसे ताकतवर देश से जंग शुरू की वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी।